मैं हूं आपका दोस्त है और आज देखेंगे एक मस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एक फिर से सब्जेक्ट ब्लॉकचेन का दैट लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में क्या-क्या लिमिटेशंस है या फिर क्या-क्या चैलेंजेस, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और नॉर्मली आपका इधर 5 मार्क्स के लिए आता है और अगर फुल डिस्क्रिप्शन बोलेंगे तो 10 मार्क के लिए भी कभी-कभी पूछ लेते हैं। तो देखो पॉइंट्स क्या-क्या है ये तो आप लोग भी पढ़ के इजीली लर्न कर सकते हो, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं कि आपको खाली ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इतने आप लोग याद रखोगे और एक बार समझ लोगे तो रटने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। और ये जितने भी पॉइंट्स है ना सब मिला के बाहर आता है, पता है अगर आपको पता है कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है तो उसी पे आता है। ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है, एक कंसेंसस एल्गोरिथम से, मतलब अगर 100 लोग है एक टीम में तो पूरे 100 लोगों का वोटिंग लिया जाएगा और फिर एक डिसीजन पे आ जाएगा कि चलो ये करना है, दैट इज कंसेंसस एल्गोरिथम। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, सेंट्रलाइज अप्रोच नहीं है, इसके लिए ये पूरी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखो कैसे करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। तो ब्लॉकचेन जो है वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है मार्केट में, ऐसा तो होगा कि ब्लॉकचेन एकदम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है लेकिन अभी अभी आई है मार्केट में, नहीं आई है, वो पुरानी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा जब तक ब्लॉकचेन आपको एक्चुअल में मार्केट में इंप्लीमेंट होकर डे टू डे लाइफ में आएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, तो यहाँ पर लैक ऑफ एक्सपर्टीज भी है। अभी आप लोग अगर कहीं भी घूमोगे तो अगर किसी को पूछते हैं भाई तो कौन सा डेवलपर है, वो बोलेगा मैं पाइथन डेवलपर हूँ या फिर एमएल डेवलपर हूँ, मशीन लर्निंग का किसी भी चीज़ का बोल सकता है, जावा है पर नॉर्मली कभी सुना है कोई बोला कि मैं ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ। तो ब्लॉकचेन की लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, अभी भी मार्केट में है, बंदे है नहीं ऐसा नहीं लेकिन कम है। दूसरा है देन ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम जो है, लेकिन ब्लॉकचेन की जगह जो दूसरा सोल्यूशन है ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम वो तो बहुत सालों पुराने से इसी मार्केट में, लाइक अमेजॉन है फ्लिपकार्ट ये जो लोग ये इसी मार्केट में बहुत पुराने बंदे हैं, तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है कि सब ये चीजें कैसे की जा सकती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लैक ऑफ अवेयरनेस ये हो गया। फिर लिमिटेड प्राइवेसी, तो भैया ब्लॉकचेन का जो टाइप है प्राइवेट पब्लिक, उसमें से जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उसमें तो क्या है कि आपको सभी लोगों से कंसर्न करना है, मतलब जैसे कि मैंने बोला था देखो मेरी अगर 100 लोगों की टीम है तो उस टीम में अगर कोई डिसीजन लेना है और उसमें से अगर 50 बंदे एग्री करते हैं, मतलब मैक्सिमम अगर 100 में से 50 लोग एग्री कर दे कि हाँ इस चीज पे आपने वो एग्री करना है दैट इज राइट, तो फिर वो माना जाएगा कि दैट थिंग इज राइट। सो क्या हो जाएगा, लिमिटेड प्राइवेसी पब्लिक ब्लॉकचेन में। और लेकिन सपोज लाइक सेक्टर्स आते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर है, फाइनेंस है, अभी आपकी बैंक है, तो उसमें तो कुछ चीजें प्राइवेट रखनी पड़ेगी ना, या फिर आपकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन, पता चला किसी को डायबिटीज है और फिर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई और कोई बंदा आके आपको चिढ़ा देगी हाँ चलो इसको तो डायबिटीज, तो अच्छा रहेगा नहीं ना, तो फिर आपकी जो पर्सनल सिक्योरिटी वो भी मेंटेन करनी जरूरी है जो कि ब्लॉकचेन में डिफिकल्ट है, स्पेशली पब्लिक ब्लॉकचेन में। सो लिमिटेड प्राइवेसी। और दूसरा चांस क्या है कि देखो 51% चांस ऑफ अटैक इज देयर इन लिमिटेड प्राइवेसी। देखो क्यों, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि पब्लिक ब्लॉकचेन में सबका कंसर्न जरूरी, तो ये क्या कर रहा है कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करके सबको बोल रहा है कि आप आपका वोट दो कि ये चीज सही है या गलत है, तो उस पे क्या हो जाएगा उसी की वजह से अटैक के चांस भी बढ़ रहे हैं। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया देखो अभी वीजा प्रोसेस, चलो अपन इधर कंपेयर करके देखते हैं, एक्चुअल में अगर आप लोग देखोगे तो जो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है उसमें से सबसे फेमस अभी वीजा प्रोसेस है, तो उसमें 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड किए जाते हैं, लेकिन अगर बिटकॉइन की बात करूं तो खाली 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड है, क्योंकि वो नया अभी मार्केट में इतनी स्पीड में है एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसी में सबसे फेमस अभी बिटकॉइन ही है, और उसमें से उसका भी स्पीड कितना है 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, और ये स्पीड इतना क्यों है वो भी जानना जरूरी है, याद रखना है ये एग्जाम में कैसे लिख सकते हो कैसे याद रखना है वो, क्योंकि मैंने जैसे बोला कंसेंसस जरूरी है, इधर हर एक बंदे का कंसर्न है कि सपोज दिस इज डिसीजन लिया होगा तो इधर सबको पूछा जा रहा है हाँ भाई बता यस या नो, सबका वोट लिया जा रहा है और फिर उस चीज पे एग्री कर रहे हैं, तो ये सब प्रोसेस होने में टाइम लग गया। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी कंसर्न एंड फ्लॉज। चलो ब्लॉकचेन पे वही फिर से ले लो, इधर दूसरी चीज क्या है सबका कंसर्न ले रहे, तो अगर सपोज एक चीज है जो कि कोई करप्टेड फाइल है लेकिन 100 में से 55 बंदे एग्री कर रहे कि हाँ नहीं ये फाइल ठीक, तो फिर ब्लॉकचेन मान लेगा कि हाँ दैट फाइल इज गुड। तो भाई इधर अगर वो 50% बंदे करप्टेड है नेटवर्क में तो फिर क्या हो रहा है, जो झूठे वो भी सही हो जाएगा और सही है वो भी गलत हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि 50% से ज्यादा बंदों ने बोल दिया कि वो चीज सही है
एक्चुअल में फाइल करते हैं फिर भी, लेकिन ब्लॉकचेन इस पे काम करता है कंसेंसस मैकेनिज्म पे, सो सिक्योरिटी वर्सेस अदर फ्लॉज भी बनते हैं। नेक्स्ट वन इज हाई एनर्जी कंजम्पशन। हां हाई एनर्जी कंजम्पशन ये क्यों है, क्योंकि ब्लॉकचेन क्या करता है पीओडब्ल्यू यूज करता है, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म। माइनर्स हैव टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मतलब इधर कैसा है ना कोई नया माइनर आया और फिर उसको एक न्यू ब्लॉक क्रिएट करना है, तो ब्लॉक क्रिएट करने से पहले ब्लॉकचेन में क्या करना पड़ता है आपको एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं, और ये सॉल्व करने के बाद आपको इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, लाइक कंपनी में क्या ओवर टाइम करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको इंसेंटिव मिलते हैं ये सॉल्व करने के बाद। तो फिर क्या होता है ये सब सॉल्व करने में एनर्जी तो खत्म होगी ना, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी की वजह से हाई एनर्जी कंजम्पशन ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्यों इंक्रीज हुई, पहले जब ब्लॉकचेन मार्केट में आया था तो पूरा फ्री था, लेकिन अभी क्या है ना उसमें कोई फिक्स रेगुलेशन नहीं है इतनी प्राइस होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। सपोज आपका फोन पे या फिर दूसरे भी टेक्नोलॉजी है वीजा प्रोसेस, इसमें फिक्स अमाउंट लेना आपका कि इतना इतना ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, लेकिन इधर फिक्स चार्ज नहीं है, कोई भी ऐसी फिक्स रेगुलेशन नहीं कि इतनी फी लेनी है। इसके लिए क्या हो रहा है प्राइस जो बंदा ट्रांजेक्शन करता है वो खुद या फिर जो प्रोवाइड कर रहा है वो डिसाइड कर सकते हैं, तो प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ना मार्केट में। नेक्स्ट वन इज कंसेंसस मैकेनिज्म। अभी तो जो बता रहा था पूरे इसकी जड़ ही है, मेन पॉइंट इज दिस की वो कंसेंसस यूज कर रहा है, अगर हर एक बंदे का कंसर्न लिया जा रहा है कि इज दिस डिसीजन राइट फॉर ऑल, तो उसी में टाइम जा रहा है। नेक्स्ट वन इज इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या है, कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज एनी रिकॉर्ड। ब्लॉकचेन में सपोज कोई ट्रांजेक्शन कर दिया या फिर प्रोसेस में, तो एक बार मैंने प्रोसेस कर दिया तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, सो योर रिकॉर्ड्स आर इम्यूटेबल। नेक्स्ट वन एडॉप्शन। जैसा कि मैंने बोला इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग एग्जाम में क्या कर सकते हो बताइए, छोटी सी ट्रिक है सीधा बोल दो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से एडॉप्शन इज लिटिल डिफिकल्ट इन मार्केट टुडे। तो बताओ डिफिकल्ट होगा ही ना, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, सिक्योरिटी कंसर्न है, हाई एनर्जी कंजम्पशन है, लिमिटेड प्राइवेसी है, प्राइवेसी तो अभी के इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी। नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन, कैन नॉट होल्ड समवन अकाउंटेबल। मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, क्यों एडॉप्शन और रेगुलेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि चलो आपका जो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है इसमें क्या होता है, आप लोग कभी भी अगर आपका पैसा आपको SBI के पास रखते हो तो आप क्यों रखते हो, क्योंकि अगर कल को चलो सपोज SBI में से कुछ हैकिंग हो गया और आपका पैसा चला गया, तो आप किस अकाउंटेबल बोलोगे SBI, क्यों आपका पैसा SBI के पास है। लेकिन इसमें क्या है पता है, ये जो है ना ब्लॉकचेन इसमें डिसेंट्रलाइज मेथड है, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, अगर कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी ही नहीं है, अगर सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है तो ये जो ब्लॉकचेन की यूजर्स है ये किसको अकाउंटेबल पकड़ेगी। इधर सपोज आपके साथ कुछ भी होता है कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, और नेचुरल ह्यूमन नेचर क्या है कि आप लोग क्या करते हो हमेशा कोई किसी ना किसी को आप लोग अकाउंटेबल रखना चाहते हो कि हाँ ये जो गलती हुई उसकी वजह से हुई। सो एडॉप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सबसे डिफिकल्ट बात है। यही 10 पॉइंट्स है, बस लिख लो और जो बताए तो समझ लो। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल, और कुछ भी डाउट यू गाइस कैन कमेंट।